उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट 2.0 में कारागार एवं होमगार्ड मंत्री के दायित्व से नवाजे गए धर्मवीर प्रजापति का आगरा आगमन पर समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करने की बात कही और कहा कि अब आगरा में कुछ नया होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कारागार एवं होमगार्ड मंत्री बनाए गए राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ताजनगरी पहुँचे, जहां उनके समर्थकों ने जगह जगह स्वागत द्वार बनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ता और समर्थकों का उत्साह देखकर मंत्री धर्मवीर प्रजापति भी गदगद दिखाई दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब आगरा में कुछ नया होगा। उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स के लिए भी अच्छे कार्य किए जाएंगे, उनका उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। जेलों के अंदर की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जेलों में परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। हाल ही में कई कैदी जो शुल्क की वजह से रिहा नहीं हो पा रहे थे, उन्हें रिहा कराया गया है। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर जो खामियां हैं, उन्हें दुरुस्त कराया जाएगा। स्वागत के दौरान जनता से मिले अपार स्नेह को देख उन्होंने भी जनता का आभार प्रकट किया और हमेशा उनके सुख दुख में साथ खड़े रहने का वायदा किया। आगरा के लिए वास्तविक बातें कुछ होना चाहिए। अपने पहले हमें मात्र 3-4 महीने का कार्यकाल मिला था, फिर चुनाव आ गया, चुनाव में चले गए हम लोग। इस बार 5 साल का मौका योगी जी ने दिया है, आगरा के लिए जो बेहतर हो सके करने का प्रयास करेंगे। होमगार्ड्स मंत्री बनाया गया आपको, होमगार्ड के ऊपर बड़ा उत्पीड़न होता है अधिकारियों का, जिनकी ड्यूटी लगी रहती है, तमाम अलग कार्यों में लगा दिया जाता है उनको, इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? कल एक ऐतिहासिक काम हुआ है होमगार्ड में जी। और हमने जो है सभी नहीं 3 दिन पहले हुआ है जी। जिस दिन पहला नवरात्रा था, भारत की नंबर्स था, उस दिन ऑडियो कॉल के माध्यम से सभी हमारे होमगार्ड कर्मी से मेरा जुड़ने का प्रयास किया है और आप देखे होंगे कि पूरा होमगार्ड उत्तर प्रदेश का एकदम खड़ा हो गया है। मैंने कोशिश की है और आगे भी करूंगा, चाहे वो कारागार का विभाग हो चाहे होमगार्ड का हो, कि एक आत्मीय संबंध, एक पारिवारिक रूप में हम काम करें। डीजी महाराजा न्यूज के लिए देवेश दीक्षित की रिपोर्ट।